जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एल एन ज्योग्राफी यूजीसी नेट जेआरएफ में। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं एग्रीकल्चर ज्योग्राफी यानी कृषि भूगोल। कृषि भूगोल में लास्ट वीडियो में हमने देखा था क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है। आज हम बात करने वाले हैं उससे आगे का टॉपिक और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और हम लोग अपना पढ़ाई करते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं। चलिए, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड एग्रीकल्चर इफिशियंसी यानी कृषि उत्पादकता और कृषि दक्षता, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या संबंध है, इससे हमें क्या लाभ है और क्या नुकसान है। जनरली ये सब जो टर्म है आपको ये सब एग्जाम में पूछे जाएंगे। इससे रिलेटेड विद्वानों का नाम जो भी आपको बताया जा रहा है वो भी पूछे गए हैं और भविष्य में पूछे जाएंगे। तो आइए जानते हैं कि कृषि उत्पाद एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी साथ ही साथ एग्रीकल्चर इफिशियंसी यानी कृषि दक्षता या कृषि क्षमता क्या होता है, ठीक है। तो पहले जानते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी क्या होता है। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी क्या होता है, इन पर यूनिट एग्रीकल्चर फील्ड यानी कृषि भूमि, कोई भी एग्रीकल्चर लैंड है, ठीक है, उसके पर यूनिट में क्या है, कितना प्रोडक्शन हो रहा है। कि अब यहाँ पर क्या शब्द मिला आपको, पर यूनिट, यानी यूनिट का मतलब क्या हुआ कि आप कोई भी यूनिट ले सकते हैं। आप बीघा को यूनिट में ले सकते हैं, आप जो है हेक्टेयर को यूनिट में ले सकते हैं, आप जो भी यूनिट लेना चाहें उस यूनिट को ले सकते हैं। जैसे अगर आपको कोई द्रव नापना हो, ठीक है, तो आप मिलीलीटर, लीटर, सेंटीलीटर जो भी लेना हो वो आप क्या कर सकते हैं कि वो आप मापक, पैमाना, स्केल ले सकते हैं। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी का मतलब हुआ कि एक एग्रीकल्चर लैंड में कितना क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है। अब ये एग्रीकल्चर लैंड जो डिपेंड करता है वो आपके ऊपर करता है कि आप क्या लेते हैं, हेक्टेयर में लेते हैं या बीघा में लेते हैं, यानी कोई ना कोई यूनिट होनी चाहिए, उस यूनिट के एग्रीकल्चर लैंड में कितना प्रोडक्शन हो रहा है उसको बोलते हैं प्रोडक्टिविटी। जनरली जो यूनिट लिया जाता है वो हेक्टेयर लिया जाता है, यानी अब हम आसानी से कह सकते हैं कि एक हेक्टेयर में, ठीक है, एक हेक्टेयर एग्रीकल्चर लैंड में यानी एक हेक्टेयर कृषि भूमि में कितना क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, इसी को बोलते हैं प्रोडक्टिविटी। यानी प्रोडक्शन अलग चीज है, प्रोडक्टिविटी अलग चीज है। प्रोडक्शन में यूनिट नहीं होता, प्रोडक्शन में जितना एरिया आपके पास है टोटल ले रहे हैं आप, लेकिन आप प्रोडक्टिविटी में क्या ले रहे हैं, केवल एक हेक्टेयर ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं कि एक हेक्टेयर लैंड में कितना हो रहा है प्रोडक्शन, उसी को बोलते हैं प्रोडक्टिविटी। ये हो गया आपका उत्पादकता, ठीक है, क्या हो गया, प्रोडक्टिविटी। आप जानते हैं कि एग्रीकल्चर इफिशियंसी यानी कृषि दक्षता क्या होता है। एग्रीकल्चर इफिशियंसी का मतलब हुआ प्रोडक्शन कैपेबिलिटी ऑफ सॉइल, जो आपकी मृदा है, जो आपकी सॉइल है, उसकी प्रोडक्शन की कैपेबिलिटी कितनी है, यानी आपके पास जो भी मृदा है उसकी उत्पादन क्षमता कितनी है, उसी को बोलते हैं एग्रीकल्चर इफिशियंसी यानी कृषि दक्षता। जो भी आपके पास सॉइल है वो कितना उत्पादन कर सकती है, यानी उसका वो कितना उत्पादन करेगी, वो किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा सॉइल की फर्टिलिटी पे, ठीक है। यानी जो मृदा है उसकी उर्वरता जितनी ज़्यादा होगी उसकी जो क्षमता होगी वो क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी। जब उसकी जितनी क्षमता ज़्यादा होगी उसी के हिसाब से आपका क्या होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। यानी प्रोडक्टिविटी किससे जो है प्रभावित हो रही है, एग्रीकल्चर इफिशियंसी से। एग्रीकल्चर इफिशियंसी का मतलब क्या हुआ, मृदा की आपकी कैपेसिटी कितनी है क्या करने की, प्रोडक्शन करने की। तो दोनों में क्या हुआ डिफरेंस, यही जनरली डिफरेंस है जो आपको बताया गया, ठीक है। अब ये जो प्रोडक्शन है, ये जो प्रोडक्टिविटी है आपकी, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है और इफिशियंसी है, ठीक है। आपने प्रोडक्टिविटी में देखा कि एक हेक्टेयर में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, तो और वहीं पर इफिशियंसी में आपने क्या देखा, इफिशियंसी में आपने देखा कि जो आपके पास सॉइल है उसकी क्या है, कैपेबिलिटी कितनी है। सॉइल कैपेबल होगी प्रोडक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इससे आपको क्या फायदा होने वाला है, इससे आप पता कर सकते हैं कि आपके जो एरिया की जो भी फसलें उगा रहे हैं वो
जितना आपके जो सॉइल है उसकी क्षमता है उसी के अकॉर्डिंग उगा रहे हैं या उसकी क्षमता को और बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पे यानी स्पेशियल वेरिएशन है, आप देखेंगे एक एग्जांपल लेकर अगर आप बात करें कि पंजाब और यूपी की बात करें, ठीक है, हमने ले लिया फसल वीट, क्या ले लिया वीट, और एक बात करते हैं पंजाब और एक बात करते हैं यूपी की। ठीक है, तो पंजाब में क्या है, प्रोडक्टिविटी सबसे अधिक है, प्रोडक्टिविटी सबसे अधिक है, लेकिन प्रोडक्शन इसका ज्यादा है, प्रोडक्शन ज्यादा है आपके यूपी का, किसका प्रोडक्शन ज्यादा है, इसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, प्रोडक्टिविटी का मतलब हुआ एक हेक्टेयर में जितना उत्पादन हो रहा है, और यूपी का गेहूं में क्या ज्यादा है, प्रोडक्शन ज्यादा है, लेकिन इसकी प्रोडक्टिविटी क्या है, इसकी तुलना में बहुत कम है। मान लीजिए इसका निकलता है आपका 100 kg, ठीक है, एक हेक्टेयर में, तो इसका निकलता है मात्र 60 kg, कितना 60 kg। तो इससे क्या हुआ कि जो यहाँ की मृदा है, ठीक है, यानी यहाँ की जो सॉइल है उसकी इफिशियंसी क्या है, और बढ़ाई जा सकती है, अभी इसकी इफिशियंसी क्या है, कम है, इसकी इफिशियंसी क्या है, कम है, यानी इसका 100 उगा रहा है तो ये भी 100 उगा सकता है, क्या करके, जो आपकी सॉइल है इफिशियंसी यानी उसकी फर्टिलिटी को बढ़ा के, यानी इसकी जो सॉइल है उसकी क्षमता और है किस क्या करने की, चीजों को उगाने की। तो इससे ये आपको आसानी से पता हो गया कि यूपी की अभी प्रोडक्टिविटी को हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। प्रोडक्टिव क्यों, क्योंकि प्रोडक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, आपके सॉइल के इफिशियंसी पे, सॉइल की इफिशियंसी का मतलब सॉइल का फर्टिलिटी कितनी ज्यादा है। ठीक है, तो इसे आपने आसानी से पता लगा लिया कि भी जो यूपी की मृदा है उसकी इफिशियंसी को बढ़ाकर हम प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। बेसिकली यही जो है पता लगाने के लिए क्या क्या आता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी और इफिशियंसी को हम लोग जो है स्टडी करते हैं कि जो टेम्पोरल, जो स्पेशियल और टेम्पोरल वेरिएशन है वो कैसे है और क्यों है। अब आप आसानी से पता लगा लिए कि वहाँ का प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है यहाँ की कम है, तो जो जो यूपी की एग्रीकल्चर की सॉरी जो यूपी की सॉइल है, ठीक है, उसकी इफिशियंसी क्या है, कम, जैसे इफिशियंसी बढ़ाएंगे यानी उसकी क्षमता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो आपकी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। ठीक है, अब एक डिफरेंस और आप जान लीजिए, जो आपका प्रोडक्टिविटी होता है, ठीक है, वो क्या होता है, वो क्वांटिटेटिव होता है, उसका नेचर क्या होता है, क्योंकि प्रोडक्टिविटी आप किसमें बताएंगे, आप प्रोडक्टिविटी बताएंगे कि हमारा 5 क्विंटल 1 एकड़ में हुआ, ठीक है, या 6 क्विंटल हुआ, तो ये क्या हुआ, क्वांटिटेटिव है, लेकिन जो एग्रीकल्चर होती है क्वालिटेटिव है, आप केवल यही बता पाएंगे कि जो आपका जो सॉइल है वो अच्छा है खराब है, ठीक है, कितना खराब है कितना अच्छा है इसका कोई पैमाना नहीं है, गुड बेस्ट बेटर ऐसे आप क्या कर सकते हैं, सुपरलेटिव डिग्री तक उसको बता सकते हैं। तो इसीलिए इसका नेचर कैसा है, क्वालिटेटिव है, ये भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। अब आइए बात करते हैं इसके आगे, इसके आगे क्या है कि जो आपकी प्रोडक्टिविटी होती है इसको कैसे डिटरमाइन करते हैं, इसको लेकर अनेक विद्वानों ने अपने अपने मेथड दिए हैं, जो कि आपके एग्जाम में क्या किया गया है, पूछा गया है कि जो कृषि की उत्पादकता है यानी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है उसको जो है बताने का मेथड क्या, ठीक है, उसको निकालने का मेथड क्या है। तो इस पर किन्होंने काम किया है, इस पर 2 विद्वान प्रमुख रूप से काम किया है, पहले विद्वान है नाम है, ठीक है, केनलॉन ने 1900 एक मेथड दिया था जिसका नाम है किंग कोफिशिएंट मेथड यानी क्रमांक विधि, ठीक है, कोटि क्रमांक या कोटि क्रमांक विधि, ठीक है, इन्होंने क्या किया, कौन सी विधि दी, कोटि क्रमांक विधि दी। आपसे कई बार पूछा गया है कि रैंकिंग कोफिशिएंट मेथड जो है वो आपके एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी के लिए किसने दिया था, ऐसा एग्जाम में आपसे किसने पूछा है, यूजीसी ने पूछा है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगले जो विद्वान है वो है एनडी महोदय, ठीक है, कौन है, एनडी महोदय, एनडी ने फॉर्मूला दिया था वाई अपान वाई एन, ठीक है, डिवाइड बाई टी अपान टी एन, ये फार्मूला कई बार जो है एग्जाम में पूछा गया है, अभी भी इसको रिपीट किया जा सकता है। तो वाई को उन्होंने क्या माना, वाई को उन्होंने माना टोटल प्रोडक्शन ऑफ सिलेक्टेड क्रॉप्स इन यूनिट एरिया, ठीक है, इन्होंने ये बताया कि जैसे आपको प्रोडक्टिविटी कैलकुलेट करना है तो किसी एरिया में गए, ठीक है, अब आप किसी एरिया में जाएंगे तो आपको कई फसलें मिलेंगी, मान लीजिए आपने बीट को ले लिया, ठीक है, क्या ले लिया कि आप इस एरिया में गए, यहाँ पर आपने देखा कि 200 एकड़ एरिया में 200 हेक्टेयर के एरिया में एग्रीकल्चर हो रहा है, लेकिन 200 हेक्टेयर में क्या हुआ है,
50 हेक्टेयर एरिया में बीट की खेती हो रही है, बाकी एरिया में अलग अलग फसलों की खेती हो रही है। तो आप चाहते हैं कि हम बीट का क्या निकालें, प्रोडक्टिविटी कैसे निकालेंगे, तो इन्होंने एक फार्मूला दिया, ये फार्मूला दिया, तो बताया कि जो वाई है, वाई क्या है, टोटल प्रोडक्शन ऑफ सिलेक्टेड क्रॉप इन यूनिट एरिया, यानी आपने सिलेक्ट क्या कर लिया, बीट, तो इस पूरे एरिया में बीट का प्रोडक्शन कितना हो रहा है, इसको इन्होंने माना y, ठीक है, क्या माना y, तो दूसरा वाई एन को माना टोटल प्रोडक्शन ऑफ सेम सिलेक्टेड क्रॉप लेवल, यानी आपने कोई जो है एरिया था, एरिया में आपने गए, उस एरिया में उसे हेक्टेयर की खेती हो रही थी, अलग अलग फसलों की अलग अलग जो है क्या था, परसेंटेज था, तो आपने देखा कि 50 हेक्टेयर में बीट की खेती हो रही थी, मान लीजिए यूपी में आप आए थे, ठीक है, तो यूपी में आपने देखा कि 50 हेक्टेयर पे बीट की खेती हो रही है, तो उसको उन्होंने वाई माना। फिर आप ये कंपेयर कीजिए कि पूरे भारत में जो है बीट की खेती कितने एरिया पे होगी, ठीक है, कितने एरिया पे हो रही है, क्योंकि यूपी में तो हो रहा है 50 जो है हेक्टेयर में, तो पूरे भारत में कितना कितने एरिया पर बीट की खेती हो रही है, उसको इन्होंने माना वाई एन, क्या माना वाई एन। फिर इसको उन्होंने डिवाइड किया किससे, टी अपॉन टी एन से, टी क्या है, टोटल क्रॉप एरिया ऑफ द यूनिट, यानी जो ये यूनिट आपने लिया था इस पूरे यूपी को, तो इसमें टोटल क्रॉप एरिया कितना है, 200, तो आपने यहाँ रख दिया 200, यानी 50 अपान मान लीजिए पूरे जो भारत है हो गया आपके यूपी का, ठीक है, जो आपने क्रॉप लिया है बीट लिया है 50 हो गया, पूरे भारत का क्या मान लीजिए 500 है, ठीक है, इसको डिवाइड कर दीजिए किससे, टोटल जो आपका क्या है क्रॉप एरिया है ऑफ द, इस यूनिट का आपका टोटल क्रॉप एरिया कितना है, 200 हेक्टेयर, यहाँ पर आपका हो गया 200 अपान, फिर उन्होंने क्या बताया कि टीएन है टोटल क्रॉप एरिया एट नेशनल स्केल, ठीक है, यानी अब आपने यहाँ पर लिख दिया ये 200, फिर आपको इन्होंने कहा कि नेशनल लेवल पर आपके यहाँ कितने एग्रीकल्चर हो रहा है, मान लीजिए नेशनल लेवल पर आपका एग्रीकल्चर एरिया 1000 हेक्टेयर है, अब इसी से आपका क्या निकल जाएगा, बीट की प्रोडक्टिविटी निकल जाएगी, यानी वाई क्या है, जो आपने एरिया सिलेक्ट किया है उसमें उस फसल का कितना एरिया है, हमने एरिया ये सिलेक्ट किया यूपी, यूपी में हमने देखा बीट को सिलेक्ट किया, तो बीट को देखा कि 50 जो है टोटल एरिया में यूपी की खेती कितनी थी, 200 हेक्टेयर, उसमें 50 पे बीट हो रहा था, तो वाई का मतलब 50 हो गया, अपान वाईएन का मतलब ये हो गया कि पूरे भारत में बीट की खेती कितनी हो रही है, तो पूरे भारत में हमने क्या देखा 500 एरिया में हो रही है, डिवाइड बाई टी अपॉन टी एन, तो टी क्या था, टी था कि जो आपने सिलेक्ट किया है यूनिट यानी यूपी, उसमें कितना खेती हो रहा है, तो 200 हेक्टेयर पे हो रहा है, फिर उन्होंने कहा कि पूरे भारत में खेती कितना हो रहा है, पूरे भारत का मतलब कि टोटल क्रॉप एरिया एट नेशनल लेवल, तो नेशनल लेवल पे हमने देखा 1000, इसी को सॉल्व कर लीजिए, जितना आएगा वो आपका क्या हो गया, वो आप एनडी महोदय के अनुसार वो आपका हो गया जो है बीट की प्रोडक्टिविटी, ठीक है, तो ये आपकी मेथड बताया एनडी महोदय ने, और जो कोट क्रमांक विधि था यानी केंडॉल महोदय ने क्या बताया था, रैंकिंग कोएफिशिएंट मेथड, इन दोनों को आपको याद रखना है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, एनडी साहब को इतना बार पूछा गया कि लास्ट ईयर में क्या हुआ कि इसके यूजीसी ने अपने आंसर की में इनका आंसर को ही गलत बता दिया, फिर जो रिवाइज आंसर किया है तो उसमें इसको सुधार किया, तो इसीलिए एनडी को याद रखना है, कभी भी यूजीसी इनको टारगेट किया हुआ है आपसे पूछ सकता है, कैलकुलेशन मेथड भी दे सकता है, आप कैलकुलेशन मेथड भी जानते रहिए, ठीक है, हो सकता है कि कहीं पर दे दे कि प्रोडक्शन आपका कितना हो रहा है, प्रोडक्टिविटी सॉरी 500 है, 500 जो है क्विंटल है, उसमें से एक ये मान दे दे, एक ये दे दे, एक ये दे दे, और पूछ ले कि बताइए कि टोटल आपके नेशनल लेवल पर जो प्रोडक्शन हो रहा है वो क्रॉप एरिया है वो कितना है, तो आपको याद रखना है कि वाई क्या है, वाई एन क्या है, टी क्या है, टी एन है, ये कैलकुलेशन मेथड का एक सवाल आपको दिया जा सकता है, ठीक है, तो वीडियो कैसे लगा आप लोग कमेंट करके बताइए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ऑल द बेस्ट।